ये यहाँ का सुरंग है, तो चलिए चलते हैं इस सुरंग के अंदर, देखते हैं क्या है। ये उस समय की 17वीं 16वीं शताब्दी की संरचना है अंदर का। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और इस नई जगह का नाम है नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़ मेरे घर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम छोटी सी बाइक राइड पर भी करेंगे। नवरत्नगढ़ के बारे में छोटा सा परिचय दे दूं कि ये कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और नवरत्नगढ़ एक हेरिटेज साइट है, तो यहाँ पर पुराने पुराने किले हैं। वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कुछ सुरंगी भी बनी हुई हैं जमीन के अंदर, जो काफ़ी लंबी है, तो वहाँ कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। नवरत्नगढ़ के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण रघुनाथ शाह नाम के राजा ने करवाया था, तो कहीं पर इससे दुर्जन साल ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। चलिए वहाँ जाते हैं और जानते हैं कि वहाँ कैसी कैसी चीज़ें हैं, हमें क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलते चलते हम आ गए हैं लगभग घर से 17 किलोमीटर दूर, और ये है नेशनल हाईवे 43, और इस नदी का नाम है दक्षिणी कोयल, जो उत्तर से चलते हुए दक्षिण की ओर महानदी में मिल जाती है, फिर वहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। ये जगह भी काफ़ी पुरानी जगहों में से एक है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके पास बहुत पुराना जगन्नाथ मंदिर है, जो यहाँ के पर्यटक स्थलों में से एक है। इसके अलावा आप इस साइड जाएंगे नदी से थोड़ी सी दूर, तो वहाँ एक अम्बा घाट करके जगह है, जहाँ पर छोटा सा झरना है, तो वो जगह हम लोग फिर कभी देखेंगे, दूसरे टाइम देखेंगे। और रतनगढ़ से लगभग 2 किलोमीटर पहले अभी हम आ गए हैं, ये श्री कपिलनाथ मंदिर है। ये भी बहुत पुराना मंदिर है, और नवरत्नगढ़ से भी पुराना इसको माना जाता है। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं इसके बारे में। मुनि रस सिंधु शशि समझान कार्तिक सुधीर अभिमान ठीक संवत 1700 हो बता। इस मंदिर को 17वीं शताब्दी का माना जाता है, जैसा आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक गुंबद है। ऐसा बोला जाता है कि यह गुंबद सिर्फ एक पत्थर से बनाया गया है। उसके नीचे आप ये इस जगह आप देख सकते हैं एक दरवाजा है, यहाँ पर भी एक गुंबद दिखाई पड़ता है। इस जगह के बारे में हम और अधिक जानेंगे यहाँ के पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। इस जगह के बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताइए। यहाँ के बारे में क्या बताएं बाबू, बाबा भोलेनाथ का यहाँ तो निवास स्थान हो गया। यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वतः इनकी उत्पत्ति है। अब यहाँ पर जो है सो बाबा भोलेनाथ का प्रत्यक्ष दर्शन राजा साहब को हुआ, तब ये मंदिर संबत 1700 में राजा राम शाह के माध्यम से ये मंदिर बनी, ये इमारत से।
यहाँ की संरचना है आप देख सकते हैं कैसी पुराने समय की। इसकी दीवारें काफ़ी मोटी हैं, लगभग 2 फीट मोटी दीवारें हैं। अंदर चूल्हा बनाया हुआ है, लगता है कि यहाँ प्रसाद बनाया जाता होगा। ये हम आ गए हैं इसके दक्षिणी छोर पर। पुराने समय की ये चीज़ें याद दिलाती हैं कि पुराने समय में कैसे हमारी संस्कृति कितनी व्यापक थी, कितनी उन्नत थी। ये यहाँ का सुरंग है, तो चलिए चलते हैं इस सुरंग के अंदर, देखते हैं क्या है। यहाँ से देखने से तो लग रहा है कि अंदर पानी है, इसका मतलब ये एक तरह का जलाशय है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। ये काफी संकरा रास्ता है और कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई भी कम है, तो जाकर देखा जाए। लग तो रहा है कि खतरे से खाली नहीं है, लेकिन भी ये उस समय की 17वीं-16वीं शताब्दी की संरचना है। अंदर काफी कचरा भरा हुआ है, एक कुंड टाइप का बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ से उस समय पानी के लिए उपयोग किया जाता रहा होगा, शायद सैनिकों के लिए या फिर प्रजा के लिए। अभी तो इसके बारे में कहीं कोई लिखित इतिहास नहीं है, काफ़ी झाड़ी वगैरह उग गई है। काफ़ी नीला पानी है, शायद अंदर गुफा भी हो, लेकिन वहाँ तक जाना तो संभव नहीं लग रहा है। चलिए वापस चलते हैं। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुँच गए हैं नवरत्नगढ़। तो आइए देखते हैं, ये इसका मेन एंट्रेंस है और इसके अंदर आप देख सकते हैं पुराने पुराने किले पहाड़ियों के बगल में। और ये देखिए पूरा चारों ओर से ये बाउंड्री किया हुआ है, इस साइड से ये पूरा इलाका नवरत्नगढ़ का है। 1, 2, 3, 4 ये सारे टूटे हुए महल हैं उस समय के, और किनारे किनारे पहाड़ियाँ। ये किला जैसा था, पुराने ज़माने में ये दोनों स्ट्रक्चर ये महल का या कहिए कि परिसर का प्रवेश द्वार था। इसके पीछे सैनिक रहा करते थे और यहीं से हाथी भी गुजरा करते थे महल के लिए। तो देखिए ये स्ट्रक्चर अभी ढह चुका है, लेकिन उस ज़माने में इसकी भव्यता क्या होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। आप देखिए इसके पीछे आप वहाँ पर देखेंगे तो एक छोटा सा दरवाज़ा है, करीब सुरंग टाइप का, जैसे कि मैंने बताया ये इसका प्रवेश द्वार है। तो देखिए इसकी आकृति कैसी, इसके दरवाजे की आकृति कैसी है। इसमें उस ज़माने की भाषा लिपि क्या लिखी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं संवत ग्रह ऐसा कुछ, अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी ईस्वी हमें कुछ दिखाई दे रही है, 1739 जैसा कुछ लग रहा है। ये भी परिसर के अंदर है, लगता है ये देखने से कि ये मंदिर रहा होगा। चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए ये यहाँ पर बरगद का पेड़ शायद उग गया था। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। पूरा खंडहर हो चुका है, ऊपर गुंबद जैसी आकृति देख रहे हैं, देख सकते हैं पुरानी पुरानी ईंटें हैं, ईंटों को ये मिट्टी का है, लगता है कि ये मिट्टी से इसको जोड़ा गया है, लग तो रहा है मिट्टी है। के ऊपर जाने के लिए देख सकते हैं ये सीढ़ी भी बना हुआ था, ये आधा टूट चुका है।
चलिए देखते हैं जहां तक पहुंच पाते हैं। सकरा सा सीढ़ी है एक आदमी के बस चढ़ने के लिए, ऊपर वैसे कुछ है नहीं है तो हम नीचे उतर जाते हैं। ये खंडहर उस समय का है जब हमारे देश में मुगल सत्ता स्थापित थी, तो हल्की झलक मुगल कालीन आर्किटेक्चर की भी हमें मिल जाती है। देखिए ये इस तरह का, इसके दरवाजों पर उस समय की शैली झलकती है। उस समय दरवाजे काफी ऊंचे ऊंचे रहे होंगे, लेकिन अभी तो ये जमीन में धस गए हैं, तो अभी हमें सर झुका के अंदर जाना होगा। ये देखिए अंदर ये कैसे खंडहर हो चुका है। बाहर आते हैं, चलिए आपको मुख्य परिसर की ओर लिए चलते हैं। ये इस मुख्य महल का प्रवेश द्वार है, ये चलते हैं अंदर। ये इस परिसर का सबसे ऊंचा महल है, ऐसा बोला जाता है कि इसमें 9 तल्ले थे, कहीं कहीं पर बोला जाता है कि 6 तल्ले थे। तो नवरत्नगढ़ के नाम से ऐसा लगता है कि यहाँ 9 ही रहे होंगे, बाकी 3 तल्ले आप देख सकते हैं ऊपर है, बाकी तल्ले नीचे जमीन में धस गए हैं, तो अभी दिखाई नहीं देते, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये देखिए अंदर ये दरवाजे जैसी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब कि जो तल्ला था वो जमीन के अंदर धंसा हुआ है। प्रत्येक तल्ला में 9-9 कमरे होते हैं ऐसा बताया जाता है, और इसी के नाम पर नवरत्नगढ़ का नाम दिया गया है। बगल में ये पहाड़ी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ये पहाड़ी उस समय महल के लिए रक्षा कवच का काम करती रही होंगी, इसके ऊपर सैनिक होते होंगे जो चारों दिशाओं में नजर रखते होंगे। ये तो अब काफी खंडर हो चुका है, घास फूस हो गए हैं। इस महल की संरचना आप देख सकते हैं, लगभग 3 फीट की चौड़ाई है इसके दीवारों की, और इसके अंदर देखिए कैसे कैसे मटेरियल का यूज किया गया है, ईंट है, कुछ ऐसे चूना की तरह लग रहा है ये, ताकि जो इसी से जोड़ा गया है, यहाँ मिट्टी का लेप लगाया गया है। काफ़ी ऊंची ऊंची यहाँ पर सीढ़ी है, आप देख सकते हैं काफ़ी खंभे धसकर जमीन में पड़े हुए हैं। नीचे से कैसा दिखता है, यह परिसर लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है ऐसा कहा जाता है, जिसमें नवरत्नगढ़ की स्थापना की गई थी। जगह की खासियत यह है कि 2009 में इसे भारतीय पुरातात्विक विभाग ने विश्व धरोहर घोषित करने के लिए सूचीबद्ध किया था, और सितंबर 2019 में इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया। ये इस जगह का नाम है दोईसा, मतलब दोईसागढ़ इस पूरे एरिया को कहा जाता था। तो दोईसा में बना यह किला नागवंशी राजाओं ने बनवाया था। जब सन 1627 में जहांगीर की कैद से रिहा होकर राजा दुर्जन शाल अपनी राजधानी कोकरह आया, तो उसने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी को कोकरह से दोईसा स्थानांतरित कर लिया। यहीं 9 मंजिला कहीं बोला जाता है, तो ये वही वो मंजिल है, इसका निर्माण कराया।
इसके पूर्व में इस महल में पहली मंजिल पर नौनों कक्ष थे जो समय की आंधी में जीर्ण हो गए। अब सिर्फ तीन ही मंजिल बची हुई है। ये जो परिसर है इसको करीब 100 एकड़ का माना जाता है, जिसमें भैरव मंदिर, कपिलनाथ मंदिर और कमल सरोवर जो आप देख सकते हैं ये सामने, ये कमल सरोवर है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये कमल सरोवर है। उस समय ऐसा होता होगा कि यहाँ पानी काफ़ी लबालब रहा होता होगा तो कमल खिलते होंगे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ अभी तालाब काफ़ी सूख चुका है, बहुत सारे घास उग चुके हैं, तो ये अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो दोस्तों यही था यहाँ का संक्षेप में इतिहास। और अधिक जानने के लिए आप गूगल में जाकर नवरत्नगढ़ सिसई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना होगा कि अगर आप इस एरिया में आते हैं या झारखंड आते हैं, अगर आप बाहर से हैं और झारखंड आते हैं, रांची आते हैं, तो कम से कम एक बार यहाँ आया जा सकता है। आप इस क्षेत्र की संस्कृति और यहाँ के पुराने आर्किटेक्चर को देखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि आप लोग आइए एक बार, इस जगह को देखिए। तो दोस्तों इस खूबसूरत शाम के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।